पूर्व उप मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की पूर्वी चंपारण क्षेत्र के दौरा को एनडीए ने नाटक बताया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि तेजस्वी यादव केवल पूर्वी चंपारण जिले में नौटंकी करने आए थे, बाढ़ पीड़ित को देखने नहीं नाटक करके वो चले गए। सुगौली के जिस जिस टोला में वो गए वहां पर पहले से ही दर्जनों कमेटी किचन चल रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि 2005 से पहले भी बाढ़ आती थी, उस समय तेजस्वी यादव जी राजद की सरकार थी, बिहार में क्या लोग कम्युनिटी किचन को जानते थे? उस समय तेजस्वी यादव जी के पिता लालू प्रसाद यादव यह कहते हुए नहीं थकते थे कि बाढ़ग्रस्त लोगों के बाढ़ के पानी में मछलियां खूब आती हैं, उसको पकड़ो और खाओ। इस विविधता की घड़ी में बिहार सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार कम्युनिटी किचन, सूखा खाना का पैकेट और सभी बाढ़ पीड़ित को 6,000 रुपये दे रही है। बिहार सरकार जब जब बिहार में आपदा आई है हमेशा तत्परता से जनता के साथ खड़ी रही है। एनडीए के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घर घर जाकर बाढ़ पीड़ितों को सूखा खाना का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल राजद ने लूट खसोट कर सरकार को जो चलाया है उसको जनता झेल चुकी है, अब दाल नहीं गलने वाला। अभी तक नहीं आए, हालात बहुत भयावह है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को कि लगातार इस चाहे वो कोरोना काल का मामला हो, चाहे बाढ़ प्रभावित लोगों का मामला हो, लगातार लगे हुए हैं। इससे पहले भी वो पूरा मिथिलांचल में गए, सब जगह लोगों को जाके बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने का काम किया, लोगों को खाना पन्नी और पैसा जो हुआ दिया। आज यहाँ आए, चंपारण की धरती पर आए, बापू की धरती पर आए, इस कड़ाके की बारिश और वो बिजली कड़क रही है, ऐसे हालात में जब लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, सरकार अलर्ट कर रही है लेकिन उनको अपने जान की चिंता नहीं, गरीब गुरबा वो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी चिंता। देखिए, तेजस्वी यादव सिर्फ कल नाटक करने आए थे, नौटंकी करने आए थे। क्या हो रहा है जिले के अंदर? बाढ़ आया है और बाढ़ जब से आया है तब से पूरा प्रशासन तत्पर है, दर्जनों स्थान पर कम्युनिटी किचन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी, कम्युनिटी किचन का नाम 2005 के पहले कोई सुना था? उस समय तक तो यहां पर बाढ़ लूट का साधन बना करता था, पशुओं को चारा दिया जा रहा है, उस समय चारा जो सब खा जाया जाता था। अभी जिनके जिनके घर में बाढ़ का पानी गया है उन्हें 6,000 रुपया मिलेगा, जिनके जिनका फसल क्षति हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, फसल क्षति भी मिलेगी। लेकिन ये आए और नौटंकी करके चले गए, सुगौली के जिस टोला में गए हैं उस टोला में कम्युनिटी किचन चल रहा है, उस टोला में लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है, प्लास्टिक दिया जा रहा है, दिया गया है और कोरोना का जांच भी कराया गया है। कोरोना के जांच में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और चारों लोगों का इलाज चल रहा है। तेजस्वी जी, आपके पिताजी तो कहा करते थे कि बाढ़ में खूब मछली आया है, जम कर खाइए, और मजाक उड़ाते थे विपदा का। आज विपदा हमारे लिए सेवा का अवसर है, आपके लिए इंटरटेनमेंट का अवसर था। आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार के अंदर बिहार की सरकार जब जब विपदा आई है तब तब जनता के साथ खड़ी रही है, बोरा भर करके अनाज देने का काम किया है, पूरा का पूरा बिहार का सरकार लगा हुआ है आम आदमी के साथ। आप बकस दीजिए, बिहार की जनता के लिए बिहार सरकार तत्पर है और पूरी तन्मयता से काम कर रही है। इस जिले के एनडीए के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी भोजन पैकेट लेकर के जा रहे हैं, सरकार भी लगी हुई है, जिलाधिकारी भी तत्परता से लगे हुए हैं, कार्य शिथिलता के कारण कई लोगों को निलंबित भी किए हैं। और इसलिए तेजस्वी जी, आपका कोई स्कोप नहीं है, 15 साल आपको जो झेल लिया गया है सब लोग को याद है, अब आपका राजनीति में कोई स्कोप नहीं है, निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी।